हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जी के नाइस में आप लोगों का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पुट किए हुए हैं इस वीडियो में, वे सारे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूगर्भ। जी हाँ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो है, पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? तो इसका सही आंसर होगा नीफे। जी हाँ, नीफे में निकिल और लोहे की अधिकता होती है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नीफे, नी से निकिल और फेरस, फे से फेरस, फेरस में से लोहा होता है, फेरसी लोहा बोला जाता है, तो नीफे में होगी निकिल और लोहा। क्वेश्चन नंबर तीन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सियाल शब्द का जो प्रयोग किया था वो सवेश ने किया था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सवेश, 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 सियाल, तो सियाल शब्द का प्रयोग सवेश ने किया था। क्वेश्चन नंबर चार है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा निकिल। जो पृथ्वी की केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है वो निकिल है। क्वेश्चन नंबर पाँच, स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की जो बाह्य सतह होती है जिस पर जीव जंतु और वायुमंडल होता है वो स्थलीय मंडल होता है, तो पृथ्वी की बाह्य सतह को ही स्थल मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर छः, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल को, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सात है, पृथ्वी की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी। तो चलिए इससे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम सेमी की क्यूब। ठीक है, तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेमी की क्यूब है। क्वेश्चन नंबर नौ है, पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? तो इसका आंसर है, पहले 100 किमी पर तो 12 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किमी पर होता है, और अगले 300 किमी पर 2 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किमी पर बढ़ता है, इसके बाद में हर किमी पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। जी हाँ, पाइथागोरस ने ही पहले पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो जो सिद्ध किया था वो मैगलेन ने किया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझना, पता तो लगाया था पाइथागोरस ने, और सिद्ध जो किया था वो मैगलेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने परसेंट मेटल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68%। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो न्यूटन ने कहा था पृथ्वी नारंगी के समान है। नारंगी, न से न्यूटन, न से नारंगी, यानी कि नारंगी जो बताई थी पृथ्वी को, न्यूटन ने बताई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी है? जो पृथ्वी का उत्तर भाग है, उत्तर वाला, उसमें जो है 61% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के दक्षिण भाग पर कितने परसेंट जल है? पिछले क्वेश्चन में उत्तर में पूछा गया तो 61% है, और दक्षिण में पूछा जा रहा है तो 81% है, क्योंकि दक्षिण भाग में सब ज़्यादा पानी है। क्वेश्चन नंबर 16, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट स्थल मंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29%, जो 29% पर है स्थल मंडल है। क्वेश्चन नंबर 17, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट पर जल है? देखिए, जब 29% पर स्थल मंडल है तो 71% पर क्या होगा? जल। तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। क्वेश्चन नंबर 18, खनिज तेल पृथ्वी के किन चट्टानों में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो खनिज तेल जो है पृथ्वी की औषधि चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल, ये पीछे क्वेश्चन हो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसको ही बेरिस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किमी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, धरातल में मोहे असंबद्धता की गहराई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहे असंबद्धता जो होती है उसकी गहराई 30 किमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की तीन संकेंद्रीय परतों के ऊपर
से दूसरी परत का नाम है, जो पृथ्वी की तीन सेकेंडरी परत है उसके ऊपर जो परत है उसको सीमा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना है, जो स्थल मंडल हो किस किस को मिलाकर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेटल का ठोस ऊपरी भाग, यानी कि जो ऊपरी भूपटल है और निचली भूपटल है और मेटल का जो ठोस भाग है, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया, स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 25, भू प्रॉपर्टी का कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो भू प्रॉपर्टी में जो अधिक तत्व, सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। जी हाँ, जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन भागों में, सीमा, सियाल और नीफे। क्वेश्चन नंबर 27, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा परत में। क्वेश्चन नंबर 28 है, महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। जो महासागरीय सतह का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है। तो क्वेश्चन ये लगभग 28 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित थे। तो दोस्तों, अगर मेरे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।